तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडिगातामध्ये स्वागत करतो. हॅलो दोस्तों, मी सौरभ आपका एडिगातामध्ये स्वागत करतो. आज हम लोग देखने वाले इंग्लिश राइटिंग स्किल्स. टुडे वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स एंड द टॉपिक विल बी व्यू एंड काउंटर व्यू. आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? व्यू एंड काउंटर व्यू. तो आज के पार्ट में क्या क्या देखेंगे मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको. सबसे पहले देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय व्यू एंड काउंटर व्यू. उसके बाद में एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने काउंटर व्यू लिखा है. आपको एग्जांपल पढ़ के समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काउंटर व्यू लिखा जाता है, प्रॉपर वे से लिखा जाता है. उसके बाद थर्ड में आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा, मतलब जो आपने एग्जांपल देखा है उस एग्जांपल को कैसे मार्क्स डिनोट करने वाले हैं, कौन से टर्म्स में कितने मार्क्स मिलने वाले और टोटल कितना मार्क्स के लिए काउंटर व्यू पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएगी. तो ये जो तीनों टॉपिक्स मैंने बताया, अगर आपको देखना है, आपको समझना है, तो वीडियो जो है वो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय व्यू एंड काउंटर व्यू. जान के लेते हैं व्यू का मतलब क्या है, काउंटर व्यू का मतलब क्या है. तो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और इन दिस टॉपिक वी विल बी प्रोवाइडेड अ टॉपिक एंड सम ऑफ द पॉइंट्स and those points are called as view points. ठीक है, we will be provided with the topic and some of the points which are known as view points. ठीक है, and we have to expand these points and express a counter view. So first of all, what do we mean by counter view? Counter view तो लिखना है, express करना है, but counter view क्या है? तो counter view are the points which expresses the meaning which is exactly opposite to the view points. मतलब क्या? Counter view भी ऐसे points है, व्यू पॉइंट्स की तरह ही काउंटर व्यू भी पॉइंट्स है, बट जो जो मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं उनका जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली अपोजिट है. किससे? जो व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं उन व्यू पॉइंट्स से, जो काउंटर व्यू के पॉइंट्स है, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं. दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली अपोजिट रहने वाला है. समझ में आया आपको काउंटर व्यू क्या है? तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक राइटिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ टॉपिक. कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के अगेंस्ट आप एक आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो. डिबेट कंपटीशन में जैसे आप आर्ग्यूमेंट करते हो कोई भी टॉपिक के अगेंस्ट, सेम आपको काउंटर व्यू में भी वही करना है, बस आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी फॉर्मल, जस्ट लाइक अ स्पीच व्हेन यू डिक्लेयर अ स्पीच. मतलब जो स्टाइल है राइटिंग का वो एकदम फॉर्मल रहना चाहिए. कैसे? जैसे कभी आप कोई स्पीच डिलीवर करते हो तो स्पीच में जैसे फॉर्मल लैंग्वेज रहता है, सेम यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज फॉर्मली रहना बहुत जरूरी है. समझ में आया आपको काउंटर व्यू क्या है? ठीक है, एक व्यू रहेगा, मतलब व्यू पॉइंट रहेंगे, उन व्यू पॉइंट के अगेंस्ट आपको वही व्यू पॉइंट कंसिडर करके उनके अगेंस्ट लिखना है, जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन में होता है. अब मैं आपको एग्जाम्पल कंसिडर करके बताऊंगा जिससे आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे काउंटर व्यू को लिखा जाता है. ओके, तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको एक एग्जाम्पल दिख जाएगा जिसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है और कैसे काउंटर व्यू लिखना है उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट योर काउंटर व्यू ऑन चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशन. अभी आपको काउंटर व्यू लिखना है, क्वेश्चन में दिया है और टॉपिक भी दे दिया गया है कि चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशन. मतलब वेकेशन में चिल्ड्रन को, मतलब बच्चों को काम करना चाहिए कुछ पैसे कमाने के लिए, ये आपका टॉपिक है. ठीक है, अब व्यू पॉइंट्स भी दिए गए हैं, 5 व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं. कौन से देखते हैं? सबसे पहला फ्रूटफुल यूज ऑफ टाइम. सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल्स को डेवलप करने के लिए. थर्ड इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओन एजुकेशन एंड पेरेंट्स, मतलब खुद के एजुकेशन के लिए और पेरेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें भी हेल्प करेगा. फोर्थ इज नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होने वाला है उसका थोड़ा सा तो नॉलेज गेन कर सकते हैं बच्चे. और फिफ्थ वन इज अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अवेयर, मतलब उसको समझ के लिए, अवेयरनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ ले. ये 5 व्यू पॉइंट्स दिए गए. अब आपको करना क्या है? इन्हीं 5 व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करना है और काउंटर व्यू लिखना है. क्या लिखना है आपको? काउंटर व्यू, मतलब क्यों बच्चों ने काम नहीं करना चाहिए, ये आपको लिखना है. चलिए देखते हैं मैंने कैसे लिखा है. सबसे पहले तो हेडिंग देखिए, चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशन. टॉपिक में तो दिया था चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशन, बट मेरा टॉपिक काउंटर व्यू है, मुझे तो काउंटर व्यू लिखना है, इसलिए मैंने नॉट जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है ताकि जो भी पढ़े उसे पता चल जाए दिस इज अ काउंटर व्यू, क्योंकि वो इस पॉइंट्स के अगेंस्ट बोलने वाला है. तो ये जो हेडिंग है, जो स्टार्टिंग है और जो कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ. स्टार्टिंग देखो कैसे किया. चाइल्डहुड कम्स ओनली वंस एंड इज मेंट टू बी एंजॉयड. चिल्ड्रन मस्ट सर्टनली मेक फ्रूटफुल यूज ऑफ दिस टाइम बट नॉट बाय वर्किंग. फर्स्टली दिस विल मीन चाइल्ड लेबर विच इज इलीगल. सेकेंडली दिस इज द टाइम फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप द स्किल्स, पिकअप द हॉबीज, मेक फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंथन देयर बॉडीज.
अगर आपने ये तीन चार लाइन पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो आपको पता चल जाएगा सबसे पहला जो व्यू पॉइंट था फ्रूटफुल यूज ऑफ टाइम, उसको मैंने कंसिडर जरूर किया है, बट उसको इस तरह कैसे कंसिडर किया है कि फ्रूटफुल यूज ऑफ टाइम करना चाहिए बट खेल कूद करने में करना चाहिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए, कुछ नए दोस्त बनाने के लिए करना चाहिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है, व्यू पॉइंट को कंसिडर करना है और अपोजिट लिखते जाना है। आपको क्या करना है, जो व्यू पॉइंट दिया उसके एग्जैक्टली अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है। अगर बोला ऐसा करना चाहिए तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। समझ में आया, पूरा नहीं पढ़ूंगा, इस चीज का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, बट लास्ट का कंक्लूजन जरूर पढ़ना। Hence, I firmly think that children should not work to earn during vacation. अब स्टार्टिंग भी पढ़ा अपने टॉपिक, उसके बाद जैसे ही मैंने स्टार्ट किया काउंटर व्यू उसमें भी पढ़ा और एंडिंग किया उसमें भी पढ़ा, हर जगह आपको पता चल रहा होगा कि मैं अगेंस्ट द टॉपिक लिख रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मार्किंग स्कीम में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग मार्किंग स्कीम क्या है और कैसे मार्क्स अलॉट किए गए वो देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर बिगनिंग एंड कंक्लूजन। अभी मैंने बोला था बिगनिंग जो है वो बहुत प्रॉपरली होना चाहिए और कंक्लूजन भी जो आपका बहुत प्रॉपरली रहना चाहिए, उसके लिए एक मार्क दिया गया है, मैंने बहुत बढ़िया से लिखा है, आप जाके वापस से पढ़ सकते हो। सेकंड इज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब जैसे कि काउंटर व्यू लिखना है, मतलब आपकी सोच आपको लिखनी है पेपर में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको रिप्रेजेंट करना है, देन ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि आप खुद के लैंग्वेज में लिख रहे हो, खुद के लैंग्वेज मतलब ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, तो उसमें ग्रामर और वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा चेकिंग करते समय, इसके लिए एक मार्क अलॉट किया गया है। उसका अर्थ क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन गुड एंड विथ लॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो भी व्यू पॉइंट्स दिए है, ठीक है, उन व्यू पॉइंट्स को पकड़ के आप क्या क्या ओपिनियंस दे रहे हो उसके बेसिस पे और कौन से ऑर्डर पे दे रहे हो उसके बेसिस पे आपको दो मार्क्स मिलने वाले हैं। अब कौन से ऑर्डर पे, मतलब जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन फिर से जाके पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि व्यू पॉइंट्स के कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, सही है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये और फिफ्थ पॉइंट ये। तो जिस ऑर्डर से व्यू पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है उसी ऑर्डर से काउंटर व्यू के पॉइंट्स आपके आंसर में रहना जरूरी है, जिसके लिए दो मार्क्स दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखते अपीलिंग एंड कन्विंसिंग इन थॉट्स। फिर से जो भी आप काउंटर व्यू कर रहे हो उसमें कैसे आप अपील कर रहे हो, कैसे आप कन्विंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर व्यू में दिए ये करना चाहिए, आपको लिखना है काउंटर व्यू में ये नहीं करना चाहिए, बट ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये कितने प्रॉपरली आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके ऊपर भी एक मार्क आपको दिया जाएगा। अब ये जो टोटल मैंने चार पॉइंट्स बताए, ये चार पॉइंट्स मिला के आपको मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। तो काउंटर व्यू लिखते समय ये सारे चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।